महिला जी पहला बिजली की किल्लत हूँ डाई की किल्लत की लगता सरकार की मनसा की आ लोगों के दुविधा पैदा करनी चाहती है भी लोग दिल्ली के मोर्चे किमें इस मोर्चे सीखन दिया दी है सरकार की मनसा हैगी सरकार जान बुझ के लोगों को हरासमेंट करना चाहती है सरकार ने जान बुझ के बिजली की किल्लत पैदा की कानूनी दायरे दे विच सरकार उन्होंने एक्शन कर सकदियां ने पर बादल बेईमाना ने अहे जे समझौते करे ने कि जिहड़ी 1200 जीए का थैले का बनता है सानू आना चाहिए वह सानू थैला इस टाइम 1500 तो उपर पैंदा है क्योंकि एक्सट्रा चीज ला आंदे ने वह दुकानदार बिजली नहीं आऊगी कोई गल नहीं सार लाँगे पर जे कणक जे अनाज इन्हां दे हत्थां दे विच बेईमाना दे चला गया इन्होंने अनाज की किल्लत पैदा करती त्राही त्राही मच जूगी इस मुल्क दे विच कहिंदे सी चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बनाता दलित परिवार चो गरीबां चो है भी ये कुछ लोगों की सार लूगा तुसीं देखिया होना आ कल परसों किवें साढ़े दलित बच्चे कुट्टे ने गे जनता ही चुनदी आ लीडरां नूं अते जदों सरकारां बन जांदियां ने सरकारां अज दा माहौल इदां दा होया पिया भी संघर्ष करन तों बिना कोई चीज़ की पूर्ति सरकार करदी नहीं ये अज संघर्ष तों बिना है ही कुछ नहीं असीं कोई फसल बीजनी उहदे वास्ते भी संघर्ष लीडर ने कुछ नहीं देना इन्हां दे लारे ने यह तो गुटका साहब हाथ दे विच खड़ के साडियां जमीरां दा खलवाड़ करदे ने जे डीएपी दी किल्लत ऐवें रही आने वाले समय च प्रदर्शन करोगे बिल्कुल बड़े जोरां ते प्रदर्शन करांगे तां असीं मंग पत्र दे चुके हां सरकार नूं तुसीं देख रहे हो पंजाबी लोक चैनल मैं अमनदीप सिंह माझा पूरे पंजाब च इक तां लाइट ने हाहाकार मचाई हुई आ लाइट दे वड्डे वड्डे कट लग रहे हन किसान पिछले कई दिनों तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही कोले की घाट क्यों किते ना किते वड्डी घाट कोले की क्यों आ रही आ भी सरकारां जिम्मेवार ने अते उस तों बाद तुहानूं दस दईए कि डाईमोनिए की घाट आ रही आ डाईमोनिया जिस नाल कणक की बिजाई हुंदी आ फसलां च पैंदा किसानां नूं जरूरत हुंदी आ पर डाईमोनिया की एक वड्डी घाट महसूस हो रही आ किसान चिंतित ने क्योंकि अज आलूआं दी बिजाई हो रही आ आलूआं च डाई काफ़ी मात्रा च पैंदा अते ओ नहीं मिल रहा अते आने वाले 10 दिन बाद कणक दी बिजाई स्टार्ट होनी आ डाई दी वड्डी दिक्कत दा सामना करना पै रहा किसानां नूं क्यों किसान कह रहे हैं कि सरकारां क्यों नहीं इंतजाम करदियां सो इस विषय ते गलबात करन लई भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे सीनियर आगू हरजीत सिंह महिला मौजूद ने महिला जी पहला बिजली की किल्लत हुण डाई की किल्लत की लगता सरकारां दी मनसा की आ सरकार जान बुझ के लोगों को हरासमेंट करना चाहती है लोगों के दुविधा पैदा करनी चाहती है भी लोग दिल्ली के मोर्चे किमें इस मोर्चे सीखन दिया दी है सरकार की मनसा हैगी पहला कोले की कोई घाट नहीं सी सरकार ने जान बुझ के बिजली की किल्लत पैदा की क्योंकि जड़े बड़े हरहीश घराने ने जड़े उद्योगपति लोग ने उन्होंने मुनाफा देना सीगा बिजली दे विच इन्हां ने जिवें टाटा ने मतलब समझौता कराया होगा तो उहदे वास्ते 475 मैगावाट आपां बिजली उतों लैंदे सीगे वो सारी मुकर गया टाटा जदा कि समझौते करे हुए ने कानूनी दायरे दे विच सरकार उन्हां ते एक्शन कर सकदियां ने पर बादल बेईमाना ने अहे जे समझौते करे ने भी वह जदों मर्जी तोड़ देन असीं कुछ ना कर सकीए असीं तोड़ीए तो जो मर्जी कर लैन साडे उत्ते कानून अहे जे समझौते करे इस करके सरकारां दे उत्तों लोकां दा तां ही भरोसा उठिया हुण जिहड़ी डीए की किल्लत हैगी डीए की पहलां 80% डीए सोसाइटियां दे विच आउंदा सीगा ऐतकी इन्हां ने 50% करता सोसाइटियां दे विच 50% कहिंदे व्यापारी बेचणगे अहे जे मतलब जाण बुझ के लोग हरासमेंट करती हैगी जिहड़े प्राइवेट ने जानी कि हरजीत जी तुहानू की लगता डीएपी दे स्टॉक पए ने सरकार कोल हैगे ने पूरे बीएपी का सारा कुछ हैगा ऐ नहीं हैगा भी डीएपी नहीं हैगा डीएपी की किल्लत पैदा करके जिहड़े प्राइवेट अदारे ने ओह डीएपी नू बंद करके स्टोरां दे विच एक थैले दे नाल दो दो होर चीज़ां लाइया या दवाइया ला दियां एक्सट्रा जिहदी 500 तो 700 रुपया कीमत है एक थैले पिछे इस करके जिहड़ी 1200 जीए का थैले का बनता है सानू आना चाहिए वह सानू थैला इस टाइम 1500 तो उपर पैंदा है क्योंकि एक्सट्रा चीज़ ला आंदे ने वह दुकानदार पर जथेबंदी ने इस गल दे उत्ते
फैसला लै लिया। असीं उह प्राइवेट दुकानदारां नूं कहना चाहुंदे हां वी जे सानूं दुकानां दे विच प्याज स्टोर मिल गया तां उह ते खेतीबाड़ी महकमे नूं लिया के कार्रवाई करावांगे। जे उह नाल इहदे होर दवाइयां लाउंदे ने उह बिल्कुल नहीं लाउण देवांगे, उहदे वास्ते वी खेतीबाड़ी महकमे नूं लिया के उह दुकानदारां दे उत्ते वी कार्रवाई करावांगे, क्योंकि सरकार ने लोकां दे विच इस गल दी दहशत पैदा करती वी DAP नहीं हैगा। इस करके कोई DAP की किल्लत नहीं हैगी, जाण बुझ के सरकार किल्लत पैदा करती हैगी। इस गल ते असीं लोकां नूं कहना चाहुंदे आं वी भरावो हराश होण दी लोड़ नहीं, सारे लोकां नूं DAP दवावांगे। जे किसी नूं पता लगता है वी हाँ फलाने स्टोर दे विच DAP पिया, किसी दे 4 ट्रक पए ने 2 ट्रक पए ने, दसो असीं गल्लबात करिए ते उत्थे खेतीबाड़ी महकमे दा अफसर बुला के वह सारा DAP चकावांगे और दुकानदार वाले उत्ते कार्रवाई करावांगे जे कोई ऐ कालाबाजारी करन दी कोशिश करदा तां उहदे ते। बिल्कुल, वैसे जे अज दी गल करिए अज तो हजे 10 दिन तक कणक की बिजाई पूरी वड्डी तादाद च शुरू होनी आ, हुण तां किते ना किते हजे आलूआं की बिजाई चल रही आ, की लगदा तुहानूं जे एवें ही रहा यह तां सिस्टम हल जूगा किते ना किते किसानां नूं DAP मिलना ही नहीं? बिल्कुल, सरकार जाणबुझ के यह नलैकियां करदी आ, जाणबुझ के यह रैक लाउण तों रोक रही हैगी, क्योंकि सारा कुछ प्राइवेट हत्थां चलिया गया, वह जदों मर्जी कुछ मर्जी बंद कर देण। इस करके लड़ाई लड़न लग गया 3 कानूनों की भी, जे अनाज भी उन्होंने हत्थे चल गया तो यह जदों अनाज बंद करता DAP तो नहीं आऊ तो भी कणक घट्ट होगी, साड़ी 2-4 मन 10 मन कणक घट्ट निकलेगी, बिजली नहीं आऊगी कोई गल नहीं सार लाँगे, पर जे कणक जे अनाज इन्होंने हत्थों के बेईमान ने चलिया गया, इन्होंने अनाज की किल्लत पैदा करती, त्राही त्राही मच जूगी इस मुल्क के, भुखमरी पैदा होजू इस मुल्क के। इस करके ये कानूनों की लड़ाई लड़न लगे हुए हैं, DAP वर्गिया सारिया चीज़ों की किल्लत हैगी, पराली के उत्ते भी लड़ना है, जीरी की बेचण वास्ते भी लड़ना पेगा। आ फरदा मंगिया ने कहते फरदा तो बिना असं खरीदते नहीं, 25 क्विंटल तो वध किले की खरीद नहीं करते, सारे कासे की लड़ाई साढ़े सिर के उत्ते खड़ी हैगी, लड़ांगे तहैया कर लगे हुए हैं, इस सरकार नू सारिया गल्लां दा जवाब देवांगे। कल्ले कल्ली गल दे उत्ते साडी लड़ाई हैगी, अज 3 कानूनों तो गल बाहर जा चुकी हैगी, क्योंकि 3 कानून तो सिर्फ खेती नाल संबंधित ने, होर भी बहुत लड़ाइया ने, सारा कुछ बेचता इन्हां बेईमानां ने साडे मुल्क दे विच्चों, सारिया रुजगार खत्म करता, सरकारी रुजगार कोई नहीं हैगा, किवें डांगा मारदे ने साडे बच्चों के, यह पुलिस यह मंत्रियों के कहण ते, आ कहिंदे सी चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बनाता दलित परिवार चों गरीबां चों है, भी ये कुछ लोगों की सार लूगा, तुसीं देखिया होना आ कल परसों किवें साडे दलित बच्चे कुटे ने गे, किवें मजदूरों के उत्ते लाठीचार्ज करेगा। इस करके ये सरकार सारिया इको नहीं, इको बेल दे सारे कद्दू ने, यह सारा कुछ इको ही खेड़ खेडते हैं। इस करके दलतों के विचों बना लो, कोई किसानों के विचों बना लो, कोई अच्छ कही भी किसानों का मुख्यमंत्री बना लो जी, जिहड़ा मर्जी बना लो, क्योंकि कारपोरेट अदारे दे अंदर सारा कुछ दे दिते ने इन्होंने। इस करके असी लोगों को बेनती करते हैं भी भरावो ये वोटों वाले टोले तो खड़ा छड़ के आपदी ताकत कट्ठी करो, आपदा एका बनाओ, इन्हां सरकारां तो ही सारे सीधे काम कराने ने, जिहड़ा सारा कुछ बेचिया वह सारा कुछ वापस लियाउणा हैगा, सारा कुछ इन्हां लोगों तो लैके आना, लुट्टिया हुआ माल वापस कराउणा। बिल्कुल हरजीत जी, गल उही आउंदी आ, लोकतंत्र दा राज आ, जनता ही चुनती है लीडरां नूं, अते जो सरकारां बन जांदियां ने, सरकारां अज दा माहौल इदां दा होया पिया वी संघर्ष करन तो बिना कोई चीज़ की पूर्ति सरकार करदी हो नहीं, होया पिया ना? बिल्कुल यह सही गल है तुहाडी, अज संघर्ष तो बिना है ही कुछ नहीं, असी कोई फसल बीजनी उहदे वास्ते भी संघर्ष, जीरी लाई है पहला कहिंदे जीरी नहीं लाउणी हैगी, तुसीं 10 तरीक तो पहला 8-10-20 तरीक तो पहला जीरी वास्ते भी संघर्ष, हुण जीरी वढ़न वास्ते भी संघर्ष, हुण पराली फूकांगे फिर भी संघर्ष, फिर आ जीरी बेचांगे फिर भी संघर्ष, जिहड़ियां चीज़ां लैणियां ने रेह लैणा, पैसे ला के लैणा, फ्री तो नहीं लैणा, मुफ्त तो नहीं लैणा, उहदे वास्ते भी संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल, जे रेह स्प्रेहां वास्ते भी संघर्ष करना पै रहा, इसे करके असी तमाम लोगों सूझवान लोगों बेनती करदे हां भी भरावो संघर्ष तो बिना कुछ नहीं मिलना हैगा, जो मिलना संघर्ष चो मिलना, इन्हां लीडरां ने कुछ नहीं देना, इन्हां दे लारे ने, ये तो गुटका साहब हाथ दे विच फड़ के साडियां जमीरां दा खलवाड़ करदे ने, उदों सानू वड्डे वड्डे लारे दिखाउंदे ने, उदों सानू कहिंदे ने 2500 रुपया पेंशन देवांगे, उदों कहिंदे ने सारा कर्जा माफ़ करांगे। इस करके हुण होर नवें टोले उठे हुए नेगे, अज केजरीवाल सरकार जां होर कई सरकारां तुरियां फिरदियां नेगियां, हालांकि ये सरकारां कहिंदियां सीगियां भी असीं सारा लोगों वास्ते करांगे, जदों आ पिछे जे RTI पा के एक साडे वकील भाईचारे ने पुछया भी जिहड़ा आ टैक्स हैगा मंत्रियों का कित्थों भरिया जांदा है, तां जदों पता लग्गा भी सरकारी खजाने चों इन्हां दा टैक्स भरिया जांदा है, तां अमन अरोड़े नूं तो जाग आउंदी है, कहिंदा अच्छा साडा टैक्स सरकारी खाते चों भरिया जांदा है,
ਜਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਬਾਰੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆਹ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਗੇ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਮਰੋੜਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆ 200 ਲੈਂਦਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ DAP ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਐਵੇਂ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ DAP ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਈਟ ਵਧਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ DAP ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿੱਲਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੀਮਾ ਪੱਟੀਵਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।